अलावा हमारा सांसद कैसा हो, पंडित सिंह जैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, पंडित सिंह जैसा हो, अखिलेश यादव पंडित सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, बंक वारी मायावती अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो चौकीदार हैं और चौकीदार के पीछे जो चिपक गया है, अब ये छूटने वाला नहीं, अब जब मशीन का बटन दबेगा तभी दिल्ली की कुर्सी से छूटेगा, वरना नहीं छूटेगा। अगर ये बात जान गए हो, अगर ये बात जान गए हो चौकीदार वाली, ये भी बताओ, ये चौकीदार वाली बात जान गए कि नहीं जान गए, तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे। और आप झूठ भूल गए, इनके कितने झूठ बोले इन्होंने, इन्होंने कहा स्टैंड अप इंडिया। बताओ स्टैंड अप इंडिया झूठ क्या था, पत्रकार साथियों आप अगर जानते हो तो बता दो हमें, ये डिजिटल इंडिया वाला झूठ क्या था, ये मेक इन इंडिया वाला झूठ क्या था, ये मुद्रा वाला कौन सा झूठ था, किसान बीमा वाला कौन झूठ था, 2 करोड़ नौकरी वाला कौन सा झूठ था। जिन्होंने इतने झूठ बोले हों वो हमें महामिलावटी बोल रहे हैं। वो बात छोड़ो कितने मिलावटी आप हो, लेकिन इस देश की जनता जान गई है कि आपसे बड़ा इस धरती पे कोई बड़ा झूठा नहीं है जितना आपने झूठ बोला है। और हमें तो लगता है कि ये महागठबंधन मां झूठों को इस बार लोकतंत्र में सबक सिखाने का काम करेंगे। कोई लोकतंत्र में इतना झूठ बोलेगा, इतना झूठ बोला, ये इनकी खासियत है। और ये वर्षों याद किया जाएगा कि देश में कोई ऐसा झूठा पद पर भी बैठा था। और एक तो चौकीदार और दूसरे लखनऊ वाले हैं जो ठोको नीति चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करना है तो ठोको नीति चलाओ, और ऐसी ठोको नीति चली है कि कहीं पुलिस जनता को ठोक दे रही है और जहां जनता को मौका मिल जा रहा वहीं पुलिस ठुकती जा रही है। बताओ इतनी कभी पुलिस ठुकी हो उत्तर प्रदेश में, तो हमें बता दे कोई। और ठोको नीति का असर क्या हुआ, आपके बगल के जिले में सांसद जी ने विधायक जी के सर पर 21 जूतों की सलामी दे दी। हमारे पत्रकार साथी बोलते हैं कि हमने टीवी पे गिने थे, वो 21 नहीं है। हमने उनसे कहा कि अगर बीच बचाव नहीं होता तो वो 21 जूतों की सलामी थी जो उनके सर पर पड़ी। तो बताओ एक चौकीदार और दूसरे ठोकीदार, बताओ ठोकीदार हटाओगे कि नहीं हटाओगे। और हमें और आपको क्या सपने दिखाए इन्होंने कि नया भारत बनेगा। हम उन्हें बोलना चाहते हैं, ये महागठबंधन नई सरकार बनाएगा और नई सरकार का नया प्रधानमंत्री होगा, तब जाकर के नया भारत बनेगा। इसलिए ये महागठबंधन नया भारत बनाने जा रहा है। और जितनी भी योजनाएं चल रही थी समाजवादी सरकार में, सब योजनाएं ठप कर दी इन्होंने। 102 108 एम्बुलेंस हमारे गरीबों की मदद करती थी, कहीं फोन मिला दो गांव में मोहल्ले में आकर के मदद करती थी, अस्पताल ले जाती थी। बताओ 102 108 भी बर्बाद कर दी। ये पुलिस के लोग जानते होंगे, समाजवादियों ने सबसे ज्यादा प्रमोशन किए,
जो कभी आईपीएस नहीं बन सकते थे, सपना ही था, उनको आईपीएस बना दिया। और दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था 100 नंबर दी। अब वो 100 नंबर इसलिए दी थी कि हमारा किसान गरीब अगर कहीं मुसीबत में फंस जाए और कोई परेशानी आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो वो फोन मिलाता था, पुलिस उसके पास पहुंच जाती थी, मदद करती थी। लेकिन पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री ने क्या किया, ये 100 नंबर भी खराब हो गई। और जो थाने की बुराई थी, जिस बुराई को हम खत्म करना चाहते थे, थाने वाली बुराई, वो बताओ बुराई 100 नंबर में आ गई कि नहीं आ गई? जो हिसाब किताब थाने में होता, अब 100 नंबर ही कर ले रहा हिसाब किताब। बताओ कैसे हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 100 नंबर कैसे चल रही यही समझ में नहीं आ रहा। वो बर्बाद कर रहे हैं। और ये पंडित सिंह जी ने ठीक कहा है, ये 100 नंबर और मजबूत होगी, थानों का पता नहीं लगेगा जो हिसाब किताब करते थे। हमारी पुलिस 100 नंबर से चलेगी, थाने से नहीं चलेगी। ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे पत्रकार साथियों, ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, आप समझ ही नहीं पाए? अब तो समझ गए, पुलिस हमारी 100 नंबर से चलेगी, थाने से नहीं चलेगी। और ये ठीक कह रहे हैं कि हिसाब किताब सब पक्का रखना चाहिए, क्योंकि सबसे जल्दी किसी का रंग बदलता है तो यही पुलिस के लोगों का रंग बदलता है। और आपने देखा नहीं इनके चेहरे पे कितनी खुशी है, क्योंकि ये जानते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री और चौकीदार दिल्ली से जाने वाले हैं। और नहीं मानते, इनके चेहरे पे देख लो। क्योंकि ये सब जान जाते हैं सरकार किसकी आने वाली है, इन्हें पहले पता लग जाता है, क्योंकि इनकी वर्दी में कोई नया तरह का ट्रांसमीटर है, उससे सब जान जाते हैं ये लोग। और आपको नौजवानों बता दें, हमने बहुत आसान भर्ती की थी। हमने कहा कि नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, और पुलिस की भर्ती के लिए बताओ केवल भर्ती कर करके डंडा देते हैं आप उन्हें, आपको क्यों परीक्षा करानी है? हम समाजवादियों ने भर्ती आसान की और कह दिया कि 10वां 12वां पास और दौड़ के दिखा देना, आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे। और उत्तर प्रदेश में हमने कई नौजवानों को भर्ती कर करके दिखा दिया। और ये जो नौजवान इनके चेहरे पे देख लो, हो सकता है ये मेरिट वाले ही हों। बताओ आसान भर्ती कर दी कि नहीं कर दी? और केवल इन्हें डंडा देना था, इसलिए 2 परीक्षा करा रहे हो आप, एक डंडा दे रहे हो केवल, बस, और उसके बाद कुछ नहीं। हम समाजवादी लोग चाहते हैं इनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, वर्दी अच्छी हो, खाने को इनको इंतजाम अच्छा हो, तब जाकर के पुलिस हमारी अच्छी दिखेगी। और ये हम भरोसा दिलाते हैं नौजवानों, दिल्ली में मौका मिलेगा तो आर्मी में और पैरामिलिट्री में इसी तरह भर्ती होगी। 10वें 12वें के नंबर लाना, दौड़ के दिखा देना, आपको सीधी भर्ती कर देंगे। बताओ इन्होंने कहा कि पकोड़े बनाओ पकोड़े, लेकिन इन बीजेपी वालों ने पकोड़े बनाना नहीं सिखाया हमें और आपको। ये राजा महाराजा क्या सिखाएंगे पकोड़े बनाना, जिन्होंने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ की हो उनको पकोड़े बनाने लायक भी मत छोड़ना। इस बार एक एक बोट साइकिल और हाथी पे डाल देना। बताइए मदद करोगे कि नहीं? और सोचिए, ये कह रहे हैं कि हम मजबूत भारत बनाना चाहते हैं, मजबूत भारत। ये जो मजबूत भारत बनाना चाहते हैं, ये सांड नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्या मजबूत बनाएंगे भारत? आप क्या घूम रहे हैं सांड के नहीं घूम रहे हैं? अभी हरदोई में एक सांड गया था मुख्यमंत्री जी से मिलने, अपनी शिकायत करने।
और सुरक्षा घेरा तोड़ करके हेलीपैड में घुस गया। पुलिस ने दौड़ा लिया, वो अपनी शिकायत नहीं कर पाया। दूसरा सांड कन्नौज में आ गया, वो भी घुस गया हेलीपैड में। वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहता था और हमारे होमगार्ड पुलिस वाले सब दौड़े उसको हटाने के लिए, कोई नहीं हटा पाया। उसने ऐसे सींग मारे आगे से कि दोनों बैरिकेडिंग तोड़ करके हमारे जवान बाहर गिरे जा करके। यही पुलिस के लोग कभी फायर ब्रिगेड लाए सामने, एम्बुलेंस लाए, नहीं रोक पाए सांड को। जब इन्हीं लोगों ने बताया सांड को कि तुम गलत हेलीपैड पे आ गए हो, तो वो चुपचाप वहां से चला गया। बताइए, बताओ सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? और हमारे किसान को इतना परेशान किया इन्होंने जानवरों ने कि अब उन्हें अपनी पूरी की पूरी खेत की बाउंड्री बनानी पड़ रही है तार से। पूरा का पूरा रात में जगना पड़ रहा था फसल बचाने के लिए। बताओ किसानों को दुखी किया इन्होंने कि नहीं दुखी किया? और कह रहे थे हम डेढ़ गुना मुनाफा दे देंगे। बताओ किस फसल का आपको डेढ़ गुना मुनाफा मिल गया? हमारे किसान भाई बताएं, प्रधानमंत्री जी आए थे यहां पर और कह रहे थे जय किसान जय जवान का नारा याद दिलाए थे, और कह रहे थे कि जो सरकार है उस समय वो कह रहे थे जवान मरा किसान मरा का नारा देके गए थे। बताओ 5 साल में किसान को कहां छोड़ा इन्होंने? कोई मदद नहीं की, महंगाई बढ़ा दी, खाद महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, और उनकी बोरी से 5 किलो खाद चोरी कर ली कि नहीं कर ली? बताओ।